नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दखल से नई खेल नीति को हरी झंडी मिलने के साथ ही इसमें पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। खेल नीति भी जल्द आएगी जिसमें पैसे की बाधा आड़े नहीं आएगी। प्रदेश में वित्त विभाग की आपत्ति के चलते खेल नीति अधर में लटकी है। खेल नीति को अक्टूबर वर्ष 2020 में शर्त के साथ कैबिनेट में लाया गया था कि बाद में वित्त की मंजूरी ले ली जाएगी, लेकिन वित्त विभाग की ओर से बजट को लेकर आपत्ति जताई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है जिसमें खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। खेल नीति में विशेष रूप से युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा का विकास करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था होगी। वर्चुअल के जरिए टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें और पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी खिलाड़ी मनोबल बनाए रखें और वंदना के शानदार प्रदर्शन से प्रदेश का मान सम्मान लगातार बढ़ता रहेगा। तो धामी के दखल से नई खेल नीति को हरी झंडी मिल सकती है। वित्त विभाग लगातार अड़ंगा लगा रहा था लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने सूबे की जनता को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने और प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगाना है जरूरी लघु फिल्म का शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना मुक्त मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सभी देशवासियों को मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए लघु फिल्म जारी कर जन जागरूकता और जनहित में संदेश दिया है। इस फिल्म का फिल्मांकन कालाडूंगी विधानसभा में किया गया। फिल्म के डायरेक्टर प्रेम गोस्वामी और कैमरामैन गणेश जोशी और प्रोड्यूसर पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख और समाज सेवी मनोज पाठक हैं। इस फिल्म में 50 स्थानीय कलाकारों ने अपनी कलाकारी की भूमिका निभाई। फिल्म का मुख्य उद्देश्य जनता को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त वैक्सीन को आगे बढ़ाना है। तो मनोज पाठक ने लघु फिल्म का शुभारंभ किया है। वैक्सीन लगनी है जरूरी, इससे इसका पूरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ जो इतने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हुआ है इसको अपने चरम पर और आखिर तक पहुंचाना। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के करोड़ों करोड़ लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई है और उस वैक्सीन लगवाने के लिए कोरोना को बिल्कुल मुक्त बनाने के लिए पूरे भारत देश को वैक्सीनेशन के लिए आज हमने एक लघु फिल्म जन जागरूकता के लिए जनहित में जारी की है। मैं समझता हूँ जितने लघु फिल्म बनाने वाले कलाकार हैं हमारे और बनाने वाले जिन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश, पूरे उत्तराखंड, इस कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। वैक्सीन लगानी है जरूरी है, एक लघु फिल्म का निर्माण आज हमारे बड़े भाई साहब श्री मनोज पाठक जी द्वारा किया गया है। इसमें 40 से 50 कलाकारों ने काम किया है, इसके लिए गीत बनाया गया है और मैं मानता हूं कि ये सोशल मीडिया में हर जगह जाकर लोगों को प्रेरित करेगा वैक्सीनेशन के लिए और लोगों को वार्न करेगा थर्ड वेरिएंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऋषिकेश के हरिपुर कला में वैक्सीनेशन शिविर का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और नगर निगम महापौर अनीता ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां हरिपुर कला में शिविर के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वहीं इस दौरान हरिपुर कला के स्वामी सत्यमित्रानंद इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत हरिपुर कला की ओर से आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों को बैग, मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। आपको बता दें कि वहां टीकाकरण अभियान में 376 नागरिकों का टीकाकरण हुआ है जिसमें मिलन केंद्र रायवाला में करीब करीब 600 और हरिपुर कला इंटर कॉलेज में 822 और छिद्रवाला में 1605 नागरिकों का टीकाकरण भी करवाया गया है, जिससे वैक्सीनेशन शिविर का महापौर अनीता ने निरीक्षण किया। वहां पर कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है, कितने लोगों ने टीकाकरण करवाया है, इन सभी की जाँच की गई है। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। देखिए,
जब से सत्र भी चल रहा है, मैं सोमवार से और शुक्रवार तक सत्र में रहता हूँ, शनिवार इतवार यहाँ आता हूँ, तो किसी न किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाता हूँ। आज भी मैं 3 सेंटरों पर गया हूँ। सेंटरों में कोई कमी नहीं है, जनता का बड़ा समर्थन है और सब जो आशा कार्यकर्ता हैं और जो चिकित्सक हैं, कोरोना वॉरियर्स जिन्हें हम कहते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो भी सब मनोयोग से कर रहे हैं। आज ज़िले में बड़ा मेगा अभियान है, 30,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। मैं 3 सेंटरों पर गया हूँ, तीनों पर मुझे जो समाचार मिला है बड़ा संतोषजनक है। शाम तक लगभग 1,000 वैक्सीनेशन तीनों सेंटर्स पर होगा। ये बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, मुफ्त वैक्सीनेशन है। इसके लिए जनता भी और हम सब भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अब खबर रोशनाबाद हरिद्वार से, जहां आज खेल मंत्री अरविंद पांडे ने रोशनाबाद स्थित हॉकी खिलाड़ी वंदा कटारे के घर पहुंचकर उनके परिवार को बधाइयां दी हैं। आपको बता दें कि खेल मंत्री अरविंद पांडे की तरफ से रोशनाबाद स्थित वंदना कटारे के घर पर पहुंचकर पूरे परिवार को शॉल उड़ाकर और फूल भेंट कर उनको बधाई दी। खेल मंत्री ने कहा कि आज परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने पर वंदना कटारे का भव्य स्वागत किया जाएगा। वंदना कटारे के गांव रोशनाबाद में मार्गों की खस्ता हालत को देखकर खेल मंत्री की तरफ से कहा गया कि सड़क की हालत को जल्द ही सही करवाया जाएगा और इन सड़कों को बनाए जाने के लिए वंदना कटारे के नाम से ही उसका शुभारंभ किया जाएगा। वंदना कटारे के घर पर खेल मंत्री के साथ पहुंचे रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हरिद्वार की बेटी वंदना कटारे ने हैट्रिक बनाकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वंदना कटारे को प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर भी अभी काम चल रहा है। साथ ही ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ फोन पर बातचीत की और वंदना कटारिया को भी ढेरों बधाइयां दी हैं। तो खेल मंत्री ने वंदना कटारे के परिवार को बधाइयां दी हैं। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से, मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अपने काम के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, इन सबका नाम रोशन किया है। मैं बेटी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज आने का मुख्य उद्देश्य कि जब बेटी ने इतना बड़ा काम किया है तो स्वाभाविक है परिजन भी कहीं ना कहीं मन में इनके उत्सुकता होली मिलने की, तो उस उत्सुकता को और बना रहे। और बेटी ने वास्तव में ऐसा काम किया है यह पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है, विश्व में हिंदुस्तान का लोहा मनवाया हमारी बेटियों ने। इसमें वंदना कटारिया का अहम योगदान है। सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि परिवार को, माताजी हो गई, भाई हो गए और इनके स्वजन हो गए, उन सबको यह महसूस रहना चाहिए कि इनकी वजह से, क्योंकि वंदना कटारिया ने जो काम किया है ना, उसमें उन्हीं का नहीं, बहुत विषम परिस्थितियों में उनके परिवार ने भी बड़ा संघर्ष किया होगा, एक एक पल साथ दिया होगा। तो जो सहयोग माताजी ने किया, भाइयों ने किया है कि अपने हिस्से का जो सुख है उसको बेटी के हिस्से में बांट के उसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास परिवार में किया है वह कोई नहीं कर सकता। मैं परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बेटी वंदना कटारिया को जल्द भविष्य की मैं कामना करता हूँ। उनका स्वस्थ जीवन हो और बहुत जल्दी वह स्वदेश आएँ और उत्तराखंड में उनका भव्य स्वागत किया जाए। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। बात और विशेष रूप से मैं इस अपने रोशनाबाद गांव और रानीपुर विधानसभा के सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी बहन वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर ओलंपिक के अंदर और भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूर्व में भी वंदना चाहे वर्ल्ड कप रहा हो, एशिया रहा हो, उन सब में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदना से पूरी हॉकी टीम से फ़ोन पर बात की थी उनकी हौसला अफजाई के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने वार्ता की तो उन्होंने अभी कुछ प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है,
आगे भी बहुत सारी चीजों को हम सोच रहे हैं कि वंदना के नाम पर क्या क्या किया जाए। मैं पुनः पूरे परिवार को और वंदना जी को बधाई देता हूँ। सितारगंज में संगठनात्मक कार्यक्रम योजनाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता अभी से बूथ लेवल पर 20-20 कार्यकर्ताओं की टीम बनाए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता अपने बूथ को हर तरह से मजबूत कर रहे हैं। बूथ जीता चुनाव जीता, यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। ये बात बीजेपी प्रदेश सदस्य है और पूर्वोत्तर रेलवे के ZRUCC सदस्य खूब सिंह विकल ने शक्ति केंद्र बूथ अध्यक्ष BLO और बूथ पालकों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। रामलीला भवन सभागार में बीजेपी नया अस्पताल शक्ति केंद्र के अंतर्गत आने वाले 7 बूथों के अध्यक्ष BLO और बूथ पालकों की बैठक में हुई, जिसको संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विकल ने कहा है कि बूथ स्तर पर सामाजिक गणित का भी ध्यान रखें, वोटर की सूची बनाएं और मंडल स्तर तक कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धि बताएं, ताकि आम जनता बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान कर सके। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर बीजेपी ने ये बड़ी बैठक की है। भारतीय जनता पार्टी तो परमानेंट अपनी तैयारी रखती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहती है। ये शक्ति केंद्र की बैठक थी, इसमें 7 बूथ शामिल थे और मेरा बूथ सबसे मजबूत इस बार 60 से पार, मेरा परिवार, भाजपा परिवार, इन तीनों ध्येय को मद्देनजर रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ में जाने का, बूथ पर संपर्क करने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सेवाएं संगठन के माध्यम से उन कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जो आगामी मिशन 2022 है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें विजय हासिल करेगी। विजय हासिल कैसे हो, इस सब की लेकर जो है एक प्रकार से सूक्ष्म प्रशिक्षण इनको दिया है, कार्यकर्ताओं को दिया गया है। की तरफ से प्रदेश में वात्सल्य योजना की शुरुआत करने के उपलक्ष्य में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ बीजेपी नेता विकास शर्मा के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम का आभार व्यक्त किया और 51 आभार पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजकर उनका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता विकास शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उनका मकसद जनता को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ दिलाना है। जरूरतमंदों की मदद के लिए सीएम धामी विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। जिन बच्चों ने 2020 से 2022 तक अपने माता पिता या किसी एक को खोया है, उन्हें 21 साल तक इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। सभी लाभार्थी बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विकास शर्मा ने कहा कि यह योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। इस दौरान महिला मोर्चा ने वात्सल्य योजना को जरूरतमंद बच्चों के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए सीएम का आभार व्यक्त किया है। आज महिला मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है, जिस योजना के अंदर COVID-19 की वजह से, अन्य किसी बीमारी से, मार्च 2020 से किसी भी परिवार के कमाने वाले सदस्य या किसी के माता पिता या दोनों में से कोई एक एक्सपायर हुआ है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक बच्चे को, जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता, उसके लालन पालन के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है और उनका एडमिशन भी किसी अच्छे स्कूल में कराने की योजना है। तो इस योजना से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। आज हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हमारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मीना शर्मा जी के नेतृत्व में मेरे कार्यालय में आई और इन लोगों ने, 51 कार्यकर्तियों ने अपना पत्र, धन्यवाद पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम मुझे सौंपा है। मैं इनका पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचा दूंगा और मैं महिला मोर्चा का भी आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कोरोना जैसी महामारी में जिनके परिवार टूटे हैं, जिनके परिवार के अपने कमाने वाले सदस्यों को खोया है, जरूर उनको भी राहत मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं, आगे भी वो जनहित के कार्य करते रहेंगे और जनता को वास्तव में लगेगा कि एक आम आदमी को लगेगा कि ये मेरा मुख्यमंत्री है और ये हमारे लिए काम कर रहा है, ऐसी आप लोगों को ये सरकार दिखेगी। मैं पुनः धामी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। गंज के आशा वर्करों का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ आशा वर्करों के चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन का समर्थन किया।
साथ ही कहा कि आशा वर्करों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं। आशा वर्करों ने कोरोना काल में मेहनत से काम किया है, सरकार उनके हक का हनन कर रही है। साथ ही कहा कि हम आशा वर्करों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पूरे प्रदेश में आशा वर्कर आंदोलन कर रही हैं। इनको लगभग 5 दिन हो गए, 7वां दिन है आज, और सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सहानुभूतिपूर्वक आशा वर्करों की मांगों को सरकार को मानना चाहिए, और जो है कि इनको मानदेय जो भी इनकी मांगे हैं वो मांगे माननी चाहिए, और ये आंदोलन उनको खत्म कराना चाहिए। सितारगंज अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच और श्रीमद भागवत सेवा संस्थान के संयोजन से आयोजित सम्मान समारोह में देवभूमि बैंकटपुर में कोरोना काल में सेवा देने वाली आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों को कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फार्मा के डॉक्टर मोहम्मद अहमद, डॉक्टर प्रमोद ANM दीपा, मेडिकल टीम में दुर्गावती लक्ष्मी, पूजा आर्या, नर्स समेत जिन लोगों ने काम किया था उन लोगों को शक्ति फार्म के जनप्रतिनिधियों की तरफ से सम्मानित किया गया। इस विशेष उपलक्ष पर रामचंद्र राय ने मां सरस्वती के पास दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रकार से महिलाओं ने, जो आशा कार्यकर्ता थे, जो डॉक्टर थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इस समय काम किया था, उन लोगों को सम्मान किया गया, क्योंकि अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों की सेवा करना एक बहुत बड़ी सेवा होती है, और निस्वार्थ भाव से काम किया था उन्होंने, उसीलिए आज एक सम्मान समारोह रखा, जिससे कि आने वाले समय में युवाओं को और लोगों को प्रेरणा मिले कि ये एक सम्मान समारोह छोटा सा ऐसा कार्य है जिससे कि लोगों को उत्साह मिलता है, और जिससे लोगों के अंदर खुशी होती है, जागृति आती है कि लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा, जिसमें रामचंद्र गुरु जी और उनकी पूरी टीम ने सहयोग किया, और अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग किया, और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ जिसमें हमें भी बुलाया और हमें भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। रुद्रपुर में पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में SOG की टीम को सफलता हाथ लगी है। SOG की टीम ने लगभग 50 लाख के गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से टीम की तरफ से 44 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। आरोपी गाड़ी बुक कर छत्तीसगढ़ से 5,000 रुपए किलो गांजा खरीद कर लाया था। वो जिले के क्षेत्र में 20,000 रुपए किलो बेचने का काम किया करता था। SOG की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप लाकर जिला और उसके आसपास सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक टेम्पो को भी सीज किया है। आरोपी के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया। समय से हमको जानकारी मिली थी, कुछ लोग यहाँ पर गांजा की तस्करी कर रहे हैं, बाहर से लाकर के यहाँ बेच रहे हैं। इस पर हमारे SOG काम कर रही थी, उसी कड़ी में कल इन्होंने एक तूफान शाह उर्फ विनोद, ये मूल रूप से जो है निवासी झांकरा, थाना जगदीशपुर, तहसील और जिला बेतिया, बिहार का रहने वाला है, इसको पकड़ा है। उसके पास से 44.36 KG का जो एक बरामद हुआ है। इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख की कीमती का ये गांजा है। रुद्रपुर में खोए और गिरे हुए मोबाइल बरामद करने की कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। SOG टीम ने सर्विलांस और फील्ड वर्क की मदद से उधम सिंह नगर जिले में खोए हुए 80 मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। SSP दलीप सिंह कुंवर ने खुलासा करते हुए पुलिस टीम की सराहना की। वहीं मोबाइल बरामद करने वाली पुलिस टीम में SOG प्रभारी कमलेश भट्ट, कुलदीप कोकुल टमटा, जनरल सिंह, राजेंद्र कश्यप, प्रभात भूपेंद्र रावत, संतोष भूपेंद्र, पंकज विनवाल, अरुणा कंचन समेत तमाम लोग शामिल थे। ये जो मोबाइल बरामद हुए हैं 80 मोबाइल हैं, लगभग 10 लाख कितना, 10 लाख 10 लाख 40 11 लाख के जो है, लगभग 11 लाख के जो है मोबाइल है, और ये पिछले 2 महीने में जो खोए थे, चोरी हुए थे, वो मोबाइल बरामद हम लोगों ने किया है। और पिछले 2-3 तीसरी जो है इस तरह का हमारा यहाँ पर PC था, जिसमें कि सामूहिक रूप से जो खोए हुए मोबाइल या चोरी हुए गए मोबाइल, उनका हमने यहाँ पर लोगों को आपके सामने जो थे उनको उपलब्ध कराया, और एक
आगे प्रयास जारी रहेगा। हरिद्वार में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने और धार्मिक स्थलों पर गंदगी आदि करने से रोकने के लिए चालान चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर हरिद्वार के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में केक काटकर बर्थडे पार्टी मनाते हुए और हुड़दंग करते हुए 5 लोगों को पकड़ा गया, जिन्हें धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही गंगा घाटों पर गंदगी करते हुए पाए जाने पर कुल 17 लोगों के खिलाफ धारा 51 और 52 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना भी किया गया है। प्रदेश के आपदा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गांव में देर रात हुई भारी बारिश से भूस्खलन होने के चलते आई आपदा में ग्रामीणों की गाय बकरियों समेत दर्जनों मवेशी दबकर मर गए। ग्रामीणों के अनुसार 7 अगस्त की सुबह लगभग 1:30 बजे के वक्त तेज बारिश होने के चलते भूस्खलन हो गया, जिससे गौशाला के कई मवेशी दब गए। वहीं सुबह के वक्त जब ग्रामीण अपने मवेशियों को चारा देने गए तो कई गौशालाओं में मवेशी मृत पाए गए। मिली जानकारी के अनुसार वीरसिंह ग्राम नौगवा की गौशाला समेत 50 बकरियां और बैलों की जोड़ी और मंगसिर की गौशाला बह गई। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की ओर से कहा गया है कि ग्रामीणों के मवेशियों के दबने से जो नुकसान हुआ उन सभी मृतक मवेशियों का मौके पर पोस्टमार्टम करने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देश भी दिया गया, साथ ही 24 घंटे के अंदर मानकों के अनुरूप मुआवजा देने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नौगांव में कंदारस्तु जो ग्राम है यहाँ पर कल रात को जो है वर्षा जो हुई उससे थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। उसमें कुछ 50 से 60 बकरियों का दबने का सूचना प्राप्त हुआ था। सुबह हमारा रेवेन्यू टीम वहाँ पे मौके पर गया है, उन्होंने कुछ बकरियों को वहाँ से बचाने में सफलता पाई है। अभी कुछ बकरियाँ हो सकती उसमें और दबी हैं, उसके लिए भी सर्च अभियान कर रहे हैं। साथ में दो वहाँ पर जो है बड़े जो गाय होती हैं और बैल होते हैं उनके भी दबने की सूचना है। हालांकि अभी तो उनको निकालने में सफलता नहीं मिला है। किसी भी तरीके से किसी का मकान का क्षति भी नहीं हुआ है और किसी भी व्यक्ति के घायल होने की अथवा जीवित हानि होने की भी सूचना अभी तक नहीं मिला है। हमने वहाँ पर जानकारी प्राप्त किया है, हमारा पटवारी क्षेत्र के जो है वहाँ पर मौजूद है। SDM भी सुबह से वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच चुके थे, उन्होंने भी अपना सूचना बता दिया है कि वहाँ पर स्थिति का जायजा लेकर और जो भी आवश्यक नुकसान हुआ है, विभागीय संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने का मैं आदेश वर्तमान में दे रहा हूँ और अभी तत्काल मैं उस क्षेत्र के निरीक्षण के लिए भी निकल रहा हूँ। साथ में जो है वहाँ पर पशुपालन का टीम वहाँ पर मौके पर पहुँच गया है। मौके पर ही बकरियों का और जो हमारे बड़े पशु हैं उनका अगर शव वहाँ प्राप्त हो जाती है तो उनका PM वहाँ मौके पर करके उनको जो भी यथा आवश्यक मुआवजा होता है शासन के मानक के अनुरूप वो उनको तत्काल मौके पर ही उपलब्ध कराने का मैंने SDM को आदेश दे रखा है। हरिद्वार के कीचा कोतवाली क्षेत्र में बेनी नदी रेलवे क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवक की मौत का मामला सामने आया। रेलवे पुलिस और कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां कीचा कोतवाली चंद्रमोहन सिंह से मिली जानकारी के अनुसार सुबह कीचा कोतवाली क्षेत्र में बेनी नदी रेलवे क्रॉसिंग के पास काशीपुर बरेली डेमो ट्रेन की चपेट में एक युवक आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही रेलवे और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी है। अब उत्तरकाशी के मुख्यालय में भी बेहतर क्वालिटी के सेब के उत्पादन का शुभारंभ हुआ है, जिसका जिला मुख्यालय से लगे लगेश्वर में रूट स्टॉक प्रणाली पर आधारित सेब की दो प्रजातियां डार्क बोरेन गाला और स्कारनेट का उत्पादन हो रहा है। लघेश्वर में अजयपुरी की तरफ से इस प्रजाति के करीब 250 पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें 100 पेड़ों का सैंपल लिया गया है। जिला मुख्यालय के नजदीक इस प्रजाति के सेब का उत्पादन पहली बार हुआ है। नई तकनीक से इसी साल मार्च में पौधा रोपित किया गया और मई में सेब के पेड़ में फल लगने भी शुरू हो गए। इसी के साथ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लघेश्वर में अजयपुरी की तरफ से स्थापित सेब के बगीचे का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यान विभाग से समन्वय करते हुए जो प्रयास पूरी ने किए हैं वो किसानों के लिए एक उदाहरण है। कम हाइट पर भी सेब का उत्पादन कर आजीविका के क्षेत्र में नया स्रोत स्थापित किया है। कम उच्च क्षेत्र में भी लोग सेब के बगीचे लगाकर अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं और आजीविका को भी बढ़ा सकते हैं। सेब उत्पादन के क्षेत्र में
मोरी के बागवानों की तरफ से काफी बेहतर कार्य किए गए। इसी तरह इस क्षेत्र में भी सेब के प्लांटेशन के कार्य हो तो निश्चित ही किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। आज हमने यहाँ पर लो हाइट पर मतलब उत्तरकाशी के हाइट पर भी अच्छा प्लांटेशन पूरी किसी द्वारा जो किया गया है उसका अवलोकन किया, जिसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने और इन्होंने जो प्रयास किए हैं उससे निश्चित तौर पे एक एग्जांपल सेट हो सकता है, आजीविका का नया स्रोत डेवलप कर सकते हैं लोग कि इस हाइट पर भी हाई डेंसिटी का सेब का प्लांटेशन कर सकते हैं और लोग अपना रोज़गार उससे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने और भी डिफरेंट इसमें सोलर फेंसिंग का प्रयोग किया है, मल्चिंग का प्रयोग किया है, पॉली हाउसेस लगाए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर होलिस्टिक तरीके से किसान पहाड़ों पे लगाएंगे तो निश्चित तौर पे ये एक फ्यूचर है इस एरिया का। इसमें मोरी क्षेत्र में देखा गया कि काफ़ी उन लोगों ने मेहनत करके कार्य किया है, तो निश्चित तौर पे इस एरिया में भी अगर हम साइंटिफिकली और जानकर इस तरह की कार्य करेंगे तो किसानों की भी आय बढ़ेगी और इस एरिया में भी समृद्धि होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।